तो टॉपिक का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस टॉपिक को आगे चलने से पहले एक बहुत बेसिक चीज समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक बैटरी है, ठीक। सपोज मेरे पास ये एक बैटरी है और ये बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं और अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। चलो सपोज करो मेरा नाम बैटरी है। अच्छा, मेरा नाम बैटरी ना सही, कहीं रखी ना देना। तो मैं बैटरी हूँ, ठीक। तो मैं बैटरी हूँ और मेरे अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड्स हैं। ये मेरे हाथ इलेक्ट्रोड्स हैं और अंदर इलेक्ट्रोलाइट है मेरे अंदर। तो मैं फैक्ट्री से भी बन के बाहर आया हूँ और मेरे को पूछा कि आपके हाथों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैंने कहा यार 10 वोल्ट है, इस पर लिखा है 10 वोल्ट, तो मैंने कहा 10 वोल्ट है। तो आपने कहा अच्छा अच्छा ये आपकी ईएमएफ है। मैंने कहा हाँ मेरी ईएमएफ है 10 वोल्ट। जो फैक्ट्री से बन के आती है तो ये बोलते हैं ना 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ है, तो 10 वोल्ट है। अब एक रजिस्टर है, ये कैपिटल आर रजिस्टर है, तो ये वायर है एक्सटर्नल, ये कहता है जी मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, तो आपके हाथ पकड़ता हूँ तो आपका पोटेंशियल मेरे को मिल जाएगा, तो आप मुझे कितना देंगे। तो मैंने कहा यार मेरे पास 10 है टोटल, तो जब मैं तेरे को टच करूंगा तो मैं तेरे को 10 नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा वो क्यों, कैपेसिटर को तो 10 दिया करते थे, जिसको कैपेसिटर टच कर लेता है 10 10, मतलब तो कैपेसिटर को दे सकता था 10, तेरे को 10 नहीं दूंगा, तेरे को 10 से कम दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैं इसे टच करूंगा मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे अंदर से करंट आना स्टार्ट हो जाएगा इसके थ्रू, तो करंट दौड़ेगा। जब करंट दौड़ेगा तो करंट मेरे अंदर से भी जाएगा बैटरी के। अब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स की रेजिस्टेंस कंसिडर की जाती है इसमें। देखो अब इसमें दो रेजिस्टेंसेस अपना रोल प्ले करती हैं, एक तो एक्सटर्नल वायर की तो कैपिटल आर है ही है, और एक बैटरी के अंदर की। बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस वायर की वजह से नहीं है, इलेक्ट्रोड्स और अंदर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से है। इसके अंदर दिखेगी रेजिस्टेंस, मतलब दिखेगी क्या, इसके अंदर होती है। तो इसलिए आज के बाद इस बैटरी के अंदर यहां पर एक साइन बनाया जाता है छोटा आर। छोटे आर का मतलब है दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और इसका रीजन वायर नहीं है, इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो ये कैपिटल आर है और ये मैं हूं। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये पूछता है कि सर आप मुझे 10 वोल्ट क्यों नहीं दे पा रहे। मैं समझा रहा हूं, देख 10 वोल्ट तो था मेरे पास, पर जैसे ही मेरे अंदर और तेरे अंदर करंट घूमा तो मेरे अंदर एक पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो गया। ओम्स ने सिखाया था आई इंटू छोटा आर। तो मेरे अंदर बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में मान लो आई इंटू स्मॉल आर 2 वोल्ट डेवलप हो गया। अब 2 वोल्ट तो वो खराब हो गए ना, मेरे अंदर ही डेवलप रह गए। तो मेरे पास था कितना टोटल 10। मैंने कहा देख मैं 2 वोल्ट काट के दूंगा, क्योंकि 2 तो मेरा खराब हो गया मेरे अंदर ही आई इंटू स्मॉल आर। तो तू एक काम कर, तू 8 ले ले। तो इसको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कैसे, टोटल कितना था 10, जब करंट घूमा हम दोनों के अंदर से तो आई इंटू स्मॉल आर मान लो 2 वोल्ट आया, तो 10 में से 2 गया तो 8, तो मैं इसको कितना दूंगा, 8 दूंगा। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर कहता है कि मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लेक्टेड है, मत लो, फिर मैं कहूंगा कोई टेंशन नहीं, आई इंटू स्मॉल आर मेरा डेवलप नहीं होगा क्योंकि स्मॉल आर मेरा 0 है, तो तेरे को 10 का 10 दे दूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये लॉजिक समझ में आया यहां तक। अब कोई कहता है जी कैपेसिटर में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जितनी भी बैटरीज ली उनमें कभी इंटरनल रेजिस्टेंस ली नहीं, बस बैटरी है, कहां इंटरनल लेते ही नहीं, निग्लेक्टेड रहती है ज्यादातर क्वेश्चन में, निग्लेक्टेड है, पर इन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर निग्लेक्टेड नहीं है, राइट। इसलिए पूरा 10 वोल्ट नहीं मिल पाता, 10 से कम मिलता है। तो अगर इस सेल पे 10 वोल्ट लिखा हुआ है और मैंने माइक में डाल दिया तो गारंटेड है इस माइक को 10 वोल्ट मिला ही नहीं होगा, इसको 10 से कम मिला होगा, राइट, क्योंकि काट के देगा आई इंटू स्मॉल आर, इसको माइनस करके देगा, पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको फिजिक्स की टर्म में सीखते हैं कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को समझाया गया और कैसे डेरिवेशन एंड फॉर्मूलाज बनी। सपोज करो ये मैं बैटरी हूं और ये मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इस बैटरी की ईएमएफ का मतलब होता है कि जब ये बैटरी बन के आई थी और कैपिटल आर के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, यानी कि इस बैटरी में से
कोई भी करंट बाहर नहीं निकला था। जब करंट उसमें से बाहर नहीं निकलता फिर मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई इन टू स्मॉल आर तो जीरो हो जाएगा, करंट तो है ही नहीं। कि जब मेरे साथ कोई कनेक्ट ही नहीं कर रहा तो मेरे अंदर करंट तो बाहर निकला ही नहीं, तो मेरा आई इन टू स्मॉल आर तो जीरो हो गया, तो मेरे टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा 10 वोल्ट। लेकिन जब मेरे अंदर से करंट बाहर निकाल दिया इसने कनेक्ट होके, फिर आई इन टू स्मॉल आर रोल प्ले करेगा और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल का 10 वोल्ट से थोड़ा सा कम आ जाएगा, राइट। तो यानी कि पोटेंशियल दो टर्मिनल्स का गिर जाएगा 10 वोल्ट से, कब? जब बैटरी में से करंट बाहर निकलेगा। अगर बैटरी में से करंट बाहर नहीं निकल पा रहा तो फिर दो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है यहां तक? तो सपोज करो ये कैपिटल आर है और ये मैं हूं ई, स्मॉल आर इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो आपने मुझसे पूछा सेल से, सर आप कि ये दो टर्मिनल्स हैं इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो मैंने ये समझाया, देखो अगर आप ये नहीं कनेक्ट करते मेरे साथ तो मेरे अंदर से करंट बाहर नहीं जाएगा, तो स्मॉल आर इंटू आई जीरो रहेगा, तो मेरे पास टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा 10 वोल्ट। इसको नाम क्या देंगे? ईएमएफ। बैटरी जब बन के आई थी उसका नाम क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का? ईएमएफ, और वो मैक्सिमम था, राइट। लेकिन अगर आपने मेरे अंदर से करंट बाहर निकाल दिया तो फिर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं रहेगा, जो मेरी ईएमएफ थी इससे कम हो जाएगा। कितना कम होगा? आई इंटू आर हो जाएगा। तो इन टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस ई की बजाय क्या हो जाएगा? ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ई से तो कम ही आ गया, इसको नाम दिया मैंने वी, वी। अब ई नहीं दे सकता ना, मैं वी बोलूंगा। तो जब तक इसमें करंट दौड़ रहा है तब तक टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस ई की बजाय क्या निकलेगा? वी। लेकिन अगर करंट दौड़ना बंद हो गया, आई जीरो हो गया, तो ई और वी बराबर हो जाएंगे, फिर ई हो जाएगा। तो इस वी को क्या नाम देते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ये टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए जब करंट दौड़ना बंद हो जाए उसको ईएमएफ बोल देते हैं, और अगर ये मैक्सिमम ना हो इसमें करंट दौड़े उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, फिर इसको ईएमएफ नहीं बोलते। समझ में आ रहा है यहां तक? लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन ही ना हो फिर तो आप चाहे ई यूज करो चाहे वी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्मॉल आर तो है ही नहीं अगर किसी क्वेश्चन में, वो बताएगा क्वेश्चन में लेना कि नहीं लेना, तो वी और ई में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब सपोज करो मेरे से सेल से पूछा किसी ने कि सर बताओ आपके दो हाथों में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जब आप में से करंट बाहर निकल रहा है, तो मैंने कहा मेरा आंसर सुन, ई माइनस आई आर। उसने कहा ओके। मैंने कहा सेम क्वेश्चन उससे भी पूछ, इससे पूछ कि तेरा कितना है, तो ये बोलता है देखो मेरे पास रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, मेरे अंदर करंट आई है, तो मेरे को सेल से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ आपने कितना दिया, मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे? ओम लॉ, आई इंटू कैपिटल आर कर लेगा ये, इसका आंसर भी एग्जैक्टली क्या आएगा? वी ही आएगा। तो वी दोनों केस में क्या रहेगा? एग्जैक्टली से भाई 8 वोल्ट दिया तो इसको तो 8 ही है। कैलकुलेट करने का तरीका हम दोनों का डिफरेंट है, ये मुझसे बात नहीं करता, मैं इससे बात नहीं करता। आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, आप इससे क्वेश्चन पूछो, मेरे से पूछोगे ई माइनस आई आर, इससे पूछोगे आई इंटू कैपिटल आर, लेकिन रहेगा आंसर दोनों में सेम, ठीक। अब कोई क्वेश्चन यहां से सॉल्व होता है, कोई क्वेश्चन यहां से सॉल्व होता है, राइट। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें मैंने बोल दिया मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ बैटरी कितना है? 10 वोल्ट है। जब करंट उसमें से नहीं जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाएगा, कब? जब उसमें से करंट विड्रॉ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि I into R अपना रोल प्ले करेगा। तो मैंने इसमें यही बता रखा है, ये सब एग्जांपल 10 और 8 का दे दिया, इन द एंड बस यही बताया हुआ है कि आप अगर मुझसे बैटरी से पूछोगे तो मैं आंसर दूंगा E माइनस I into छोटा R। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर आप रेजिस्टर से पूछोगे तो आंसर देगा I into कैपिटल R। दोनों में आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम, राइट। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये 4 ओम है, ये 10 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो अब इस क्वेश्चन में इस ये जो मैंने लिखा हुआ है दोनों, इनमें एक और रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। अगर मैं कैपिटल आई आर को
ई माइनस आई आर के इक्वल कर दूं, मैं कर सकता हूं क्योंकि वी की वैल्यू दोनों हम क्या बता सेम है, तो आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई, आई कॉमन आ गया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, करंट का ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो याद रखना एक और शॉर्टकट, आज के बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक बैटरी गिवन हो ई हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन हो कैपिटल आर, और कोई ये पूछ ले कि करंट इसमें क्या होगा, तो करंट की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल हमेशा सीरीज में रहती है, तो ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होगा। तो ये करंट याद रखना, न्यूमेरिकल में सीधा निकाला करेंगे, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक है यहां तक? ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ईएमएफ जो बैटरी से वो 10 वोल्ट की मैक्सिमम है। ठीक है यहां तक? तो इसमें जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई मुझसे पूछे कि भाई बैटरी ये बताओ कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें, तो मैंने देखा यार मेरे अंदर से करंट ले गए तुम लोग, तो मैं आंसर 10 नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा 10 माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब आई निकालने का तरीका क्या है, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, 2 एम्पियर आ गया, तो मैं क्या आंसर दूंगा, ई माइनस आई आर, ई इसमें 10 है, आई की वैल्यू इसमें कितनी है ये 2 और स्मॉल आर कितना है 1, 8 वोल्ट दूंगा। और सेम क्वेश्चन इससे पूछो तो इसका करंट क्या है 2, 2 इंटू 4 क्या 8, आंसर दोनों में एग्जैक्टली क्या आएगा, जिससे मर्जी पूछ लो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, जब एक बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर किसी भी एक्सटर्नल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, ई रहेगा मैक्सिमम। तो जब इसमें से करंट बाहर नहीं निकलता, इस सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट, ये एक ओपन सर्किट है, और जब आप इसे कनेक्ट कर देते हैं किसी भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां तक ठीक, याद रखना ये चीज़।